तो बच्चों आज है 16 नवंबर, बुधवार, वेंसडे, और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले इसके लिए जानना पड़ेगा एटम क्या होता है। एटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन स्टेबल फॉर्म। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। अब देखो, एटम्स एटम्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चे लोग? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा H, H माने क्या हुआ? हाइड्रोजन। H क्या है? हाइड्रोजन। ये एक H क्या हुआ? एटम हुआ, एटम हुआ, और वो एक और H के साथ मिल गया तो क्या बनाता है? H2 बनाता है। तो ये जो बना H2, ये क्या होगा बच्चे लोग? मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और इस H को क्या बोलेंगे? ये दोनों H क्या है? एटम्स हैं। क्या है बच्चे लोग? एटम्स हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसका बात करें तो एटम को बोलते हैं परमाणु, परमाणु, और मॉलिक्यूल को बोला जाता है अणु, है ना। इसको अगर तोड़ के लोगे परम अणु, परम अणु मतलब इससे छोटा नहीं होगा, तो परम अणु परमाणु, और ये होगा अणु, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है एटम्स का। क्या होता है किसी भी एटम का? क्या स्ट्रक्चर, जो संरचना होती है वो क्या होती है? संरचना, ठीक है, किसकी? परमाणु की, एटम की। अब देखो, कोई भी एटम हो उसमें क्या होता है बच्चे लोग? न्यूक्लियस होता है, और बाहर क्या होते हैं उसके? ऑर्बिट होते हैं या एनर्जी लेवल होते हैं। बीच वाले क्या बोलते हैं बच्चे लोग? न्यूक्लियस होता है, फिर क्या होता है बाहर? ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो कहाँ पे क्या होता है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन किसे होते हैं? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये एटम के अंदर रहते हैं लेकिन ये स्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकते, इनको हमेशा एटम के अंदर ही रहना पड़ेगा, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट नहीं बोला जाता। जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन स्टेबल फॉर्म इज एटम, लेकिन ये स्टेबल नहीं हो सकते, एटम के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल, मतलब इसमें चार्ज नहीं होता है, प्लस भी नहीं, माइनस भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कौन कहाँ रहता है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कहीं तो रहते होंगे ना ये। अब देखो, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चे लोग? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स में कौन मूव करते रहते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट्स में कौन मूव करते हैं बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन। अब ये जानने वाली बात यह है कि जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी एलिमेंट हो आगे किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कौन होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन में रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम देख लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देख लिए, फिर से एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमको देखना है, एक हमारे वर्ड आता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हम कंफ्यूज होते हैं ना बार बार इसमें, एटॉमिक एटॉमिक मास। देखो इसको कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई माइनस, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पी प्लस। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर जितना प्रोटॉन होगा वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु संख्या। और दूसरा होता है एटॉमिक मास, जिसको बोलते हैं परमाणु
द्रव्यमान, परमाणु क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं हम दोनों को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा या परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अब देखते हैं, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। ये देखो ये हमारा सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ 11 है, यहाँ पे 23 है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही उसका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, 11 होगा, प्रोटॉन का नंबर भी कितना ही होगा, 11 होगा। तो इससे हम किसका किसका नंबर जान गए, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर जान गए, प्रोटॉन का भी नंबर जान गए। अब अपन ये वाले फॉर्मूला में लगाते हैं, एटॉमिक मास वाले फॉर्मूला में, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बच्चे लोग, 23 है। अब देखो हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 है, तो प्रोटॉन का हमको संख्या पता है कितना है, 11 है। प्रोटॉन का संख्या कितना है, 11 है। न्यूट्रॉन का अपने को निकालना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। तो मतलब इतना ही पता हो हमको, बस ये पता हो इसका जो एलिमेंट का सिंबल है और उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता हो, तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं बच्चे को, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, इसके बाद का धन्यवाद।